आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यहां पर क्विक शेयर जो कि गूगल का है, क्विक शेयर से जब भी आप यहां पर शेयर करते हैं कोई भी फाइल्स वगैरह दूसरे फ़ोन में, तो यहां पर गाइस कैसे होता है, जब भी आप यहां पर शेयर करते हैं पर गाइस कनेक्ट नहीं होता। गाइस यहां पर आपको लिख कर आता है कनेक्टिंग और नीचे भी लिख कर आता है कनेक्टिंग टू डिवाइस, और तो यहां पर बहुत देर तक ऐसे ही यहां पर लिख कर आता है और कनेक्ट ही नहीं होता। तो आपको कैसे यहाँ पर कनेक्ट करना है बताऊँगा सिस्टमेटिक, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी आपको क्या करना है, क्विक शेयर ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पर आपको क्विक शेयर सेटिंग में आ जाना है, फिर यहाँ पर आपको डन कर देना है, फिर यहाँ पर आपको कोई भी फाइल ले लेना है। एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, ये यहाँ पर क्विक शेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर गाइज मेन चीज़ यहाँ पर है, जब यहाँ पर स्कैन होता है, जब डिवाइस आ जाता है, जब इसके ऊपर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि आपका जो भी फ़ोन है दूसरा, जिस डिवाइस में आप यहाँ पर फाइल डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो डिवाइस कौन सा है आपको वो देखना है। अगर आप यहाँ पर, अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है और वो जिसे आप भेज रहे हैं वो दूसरा फ़ोन है, तो यहाँ पर गाइज दिक्कत आएगी, यहाँ पर आपको यहाँ पर कनेक्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर विथ नॉन गैलेक्सी डिवाइसेस, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है आपको। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टर्न ऑन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइस एलोकेशन ऑन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और स्कैन होगा, फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर डिवाइस दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है जिससे इजीली कनेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, जिससे गाइज आप जो चाहे वो फाइल्स इजीली क्विक शेयर के ज़रिए सेंड कर पाएंगे दूसरे डिवाइस में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।